आम आदमी पार्टी नूं सरकार बनाया 1 महीना होण लग्या है, ते जो लोकां ने इन्हां तों उम्मीदां सन उह उस ते खरा उतरदे हन या नहीं उतरदे। 1 महीने दे विच इस दा समीक्षा करनी कोई हजे कुछ कहना ठीक नहीं लगता। फिर भी असीं कुछ नौजवानां दे विच आए जिन्हां ने वोटां पाईआं ने, ते बड़ी वड्डी मात्रा च सरकार नूं बहुमत पा के सरकार बनाई है। ते बच्चो असीं जानना चाहांगे कि सरकार बन गई हैगी आम आदमी पार्टी, 1 महीना हो गया, 92 तो वध विधायकां दी बहुमत हैगी है, ते की सोच के तुसीं वोटां पाईआं सी? असीं तां जी इह सोच के वोटां पाईआं सीगीआं, सरकार ने जिद्दां कहा सीगा वादे कीते सीगे साडे नाल कि असीं नौकरियां देवांगे, पंजाब नूं पहलां वर्गा पंजाब बनावांगे, खुशहाल बनावांगे, लोकां नूं बाहर जाण दी लोड़ ही नहीं पएगी, इत्थे आ के बच्चे अपनी जिहड़ी विद्या हैगी उह लैणगे, ते पंजाब नूं जिहड़े ड्रग्स दे जिहड़ा हो रिहा हैगा उह तों दूर करांगे। असी यही सोच के कीती सी वोट पाई सी, तो सानू पूरी पूरी आस है कि कुछ करनगे, जड़ी नवी बदलाव आया सरकार च वो होगा कुछ, हले तो महीना होया अगे पता लगूगा जी। तो चलो बच्चो होर भी ने मेरे नाल, बच्चो 1 महीने दे विच तां एनालिसिस नहीं किया जा सकता, तो जो बदलाव असी रवायती पार्टियां तो खेड़ा छुड़ाने के लिए किया गया बड़ी देर बाद, सारिया रवायती पार्टियां लोगों को ठग दी रही, लुटती रही, कुटदी भी रही, तो तुहानू आम आदमी पार्टी तो की लगता है? आम आदमी पार्टी तो पहली गल तो जी आप करिए, आप दिल्ली में इन्हों की जी 11 साल तो सरकार देखी जा रहे हैं ना, तीसरी बार इन्हों की दिल्ली में सरकार बनी, तो उत्थे केजरीवाल साहब ने कहा सी जे तो थानू मेरा काम किया चंगा लगा तो तुसी मैनू वोटा पाओ। ये पहले बार मैं किसी मतलब के मंत्री साहब नूं देखिया जिहड़े ये कहण के जे थानू मेरा काम चंगा लगे तो वोटा पाओ, तो ओबियसली उन्होंने काम किया होगा तो लोगों ने दोबारा वोटा पाईया, तो इस आस नाल पंजाब के जिहड़े वासी आ उन्होंने भी इस आस नाल वोटा पाईया सीगियां आम आदमी पार्टी नूं, तो सानू पूरी आस आ कि वह उन्होंने तिन जिहड़े उन्होंने वादे किए थे उन्होंने सारिआं ते खरे उतरनगे। समां लगूंगा थोड़ा, तो आस सानू पूरी है कि वो इस वादियां ते पूरे उतरनगे। पंजाब भी है जे पंजाब दी असीं करिए गुरुआं पीरां दी धरती है, जिन्हों किरत करो नाम चुपो वंड के छको कंसैप्ट हैगा जिहड़ा साडा सिक्खी सिधांत नाल भी है कि पंजाबियां नूं मुफ्त चीज़ां दी जरूरत है कि चाहीदी है कि नहीं, इहदे बारे तुसीं की कहोगे? पंजाबियों नूं मेरे हिसाब दे नाल तां किसे वी मुफ्त चीज़ की जरूरत नहीं है, पंजाबी तां पहले 13-13 तोलदे ने ना, गुरु नानक साहब जी ने आपां नूं सिखाया 13-13 तोलना, तां पंजाबियों ने थां थां जाके लंगर लाए ने। चलो हुण होर है बच्चे ने साडे नाल, बच्चो जो असीं गल करिए कि जो मुफ्त देन दे ऐलान किए सरकारां बनन तो पहलां केजरीवाल इन्हां दे राष्ट्रीय कन्वीनर जां भगवंत मान ने मुख्यमंत्री ने, की तुसीं इहदे नाल किन्ने कु सहमत हो? पहला तो जो इन्हों की सरकार नहीं सी बनी, मतलब सरकार बनने तो पहला दिल्ली विच भी उन्होंने केजरीवाल उन्होंने क्या बहुत सारा मतलब सहूलत दित्तियां ने, पानी की सहूलत उन्होंने, सेवा केंद्र खोले ने, इतने मेडिकल भी इन्होंने क्लीनिक खोले हुए, मतलब बहुत सारा काम किया, वो आधार पर भगवंत मान उन्होंने भी वादे किए मतलब कि ये वोटा तो पहला। मैंने लगता कि बाकी भी कई पार्टियां आईया जिन्होंने वादे किए पर उन्होंने निभाइया वादिया तो वो खरे नहीं उतरे, तो मैं ये आस हैगी कि भगवंत मान हुणे भी ये वादिया से खड़े उतरनगे, जिहड़े उन्होंने वादे किए नौकरी देन दे रंगला पंजाब बनाउण दा, इत्थों नशा मुक्त करन दी इस पंजाब तों, ते एक वधिया पंजाब बनाउण दा कि साडा नाम पंजाब दा पूरे मुल्क च मतलब कि होवे कि बाहरले देश दे लोग भी कहण कि हाँ ये पंजाब दे लोग हन जिहड़ा ने इन्ना वड्डा काम करके दिखाया, तो मैं यही आस करदी हाँ कि भगवंत मान होणा को कि वह साडियां सुनण, वह सानू नौकरियां देन, साडे बारे सोचण, तो इस पंजाब नू भी कुछ अजिहा करके दिखाण कि दुनिया देखदी रह जावे। कि तुसी यह भी जिहड़ियां मुफ्त सहूलतां दी बजाए भी रुजगार तुहाडा कहना रुजगार ते होर सानू जो हैगी सहूलतां देणे ते मुफ्त सहूलतां नाल किन्ने को सहमत हो? मैनू लगता है ये मुफ्त नहीं है क्योंकि आप सारे लोग सानू पता कि असं टैक्स पे करते हैं, अं भावें इतने रोड से हो फिर आप कह लो कि जोड़ा पानी वाला टैक्स होवे, घर के टैक्स होवे, सारे असं टैक्स पे करते हैं, तो मैं नहीं लगता कि मुफ्त चीज़ हैगी है, असं टैक्स पे करते हैं। हाँ जे कहते हैं कि असं 1000 रुपया प्रति महिला देना चाहते, तो मैं यही कहनी कोई गलत गल है देन, पर उन्होंने देन जिन्होंने ज़्यादा जरूरत है, जिम्मे मतलब कई गरीब परिवार भी हैं जिन्हें कह लो कि रोटी बहुत मसा ही चलती है, कई जो दिहाड़ीदार है उन्होंने मसा ही कह लो कि 100 मिलता महीने चो कि गुजारा कर दें। मैं लगता कि देना चाहिए 1000 रुपया पर उन्होंने जो बहुत गरीब वर्ग के हैं तो उन्होंने देना चाहिए। एक जिवें सरकार ने फैसला किया भगवंत मान जी सरकार ने भी जोड़े ऐसे मंत्री है ज विधायक है एक पेनशन, इनू तुम किमें देखते दे?
मैनू लगता बहुत वधिया फैसला किया है क्योंकि इन्हां जिहड़े भी विधायक ने इन्हां नूं पेंशन मिलदियां जदों भी ये बनते ने दुबारा इन्हां दी सरकार बनती जदों दुबारा विधायक बनते इन्हां नूं हर वारी पेंशन मिलती है। जिहड़ी ये पेंशन इन्हां नूं ना दे के ये पेंशन ये मतलब बाकी चीज़ों ते लाण स्कूलों ते लाण कॉलेजों ते लाण हस्पतालों ते लाण नौकरियां देण यह सारा पैसा की है इत्थों सेव करके वह इन्हां चीज़ों ते लाणगे तो बहुत वधिया गल हैगी मैनूं तो यह वधिया चीज़ लगी। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ।